प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 श्रोताओं नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की। आपको मालूम ही है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था विस्तार से, और जिस रूप में ये अभियान सफलता के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सका है और जिस रूप में इसकी उपलब्धियां रही हैं वो सचमुच बहुत प्रेरक रही हैं। प्रेरक इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि भविष्य के लिए ये हमारे लिए एक प्रेरणा बने। भविष्य में हम इस तरह के तमाम कार्यक्रमों और अपनी गतिविधियों से अपने जो सागर तट हैं उनको सुरक्षित रखें, उनको स्वच्छ रखें। वो हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी जरूरी है और उन जगहों की सुंदरता के लिए, भारत की अपनी सुंदरता के लिए बहुत जरूरी है। 7500 किलोमीटर से ज्यादा की जो हमारी समुद्री सीमा है उसकी सफाई के इस अभियान के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की जो कोर कमेटी थी उसके सदस्य श्री नचिकेत जोशी जी वो हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस अभियान के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है नचिकेत जी। जी नमस्कार। ये अभियान तो समाप्त हो चुका है लेकिन जिस तरह से इस अभियान ने एक नई ऊर्जा पैदा की, और प्रधानमंत्री जी की एक सोच होती है कि जो भी अभियान या कार्यक्रम हम चलाएं वो जनभागीदारी के रूप में उसको चलाएं। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा उदाहरण है और मुझे लगता है कि उसी की एक कड़ी के रूप में ये अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कितना महत्वपूर्ण रहा है, किस रूप में महत्वपूर्ण रहा है, थोड़ा इस पर रोशनी आप जरूर डालें। पहले जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि अभियान समाप्त हो गया, अभियान ये समाप्त नहीं हुआ है, आज भी ये अभियान चल रहा है। एक जन भावना और एक नागरिक नेतृत्व वाला ये अभियान था जो निरंतर चलता रहेगा। और जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी की हर एक बात और हर एक सलाह और हर एक आदेश लोग उसको महत्व से लेते हैं और उसको जन आंदोलन में परिवर्तित कर रहे हैं, तो लोगों की विचारधारा, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही इसका एक उद्देश्य था। अच्छा, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया जी इस अभियान के बारे में और इसके महत्व को लेकर जो उन्होंने बात की बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी अनुमति हो तो वो अंश एक बार हम फिर से सुनते हैं जी, और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं ताकि उससे हमें बातचीत के कुछ और बिंदु भी मिल पाएंगे। जी जी जरूर, आइए सुनते हैं। साथियों, मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो या तालाब। भारत का भी सौभाग्य है कि करीब 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी कोस्टलाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अटूट रहा है। यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है। भारत के अलग अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खान पान लोगों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है। हमारी ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचेज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहां मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई, काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, NSS के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया, ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया।
तो नचिकेत जी, आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को लेकर और साथ ही साथ पूरा हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हमारे साथ अपने विचार साझा किए। अब ये बताइए, क्योंकि इसमें 75 के अंकों का बड़ा आकर्षक समावेश है। अब आजादी का अमृत महोत्सव तो हम मना रहे हैं, 75वां वर्ष हम अपने पूरे कर चुके हैं स्वतंत्रता के, लेकिन इसमें 75 के अंकों की क्या क्या और कहाँ कहाँ भूमिका रही है? जी, पहले तो जो सितंबर का महीना होता है उसके हर तीसरे शनिवार अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल डे होता है। अच्छा। और हमारे कोस्ट गार्ड बरसों से उसी दिन तट की सफाई करते आते हैं। अच्छा। जैसे इस बार हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दरमियान एक सोच आई, और मैंने पहले भी बताया ये नागरिक नेतृत्व वाला अभियान है, सभी संस्थाओं ने साथ मिलके, सभी लोगों ने साथ मिलके, जैसे जब हमने इसका बात की तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, NSS, भारतीय तटरक्षक, NDMA, सीमा जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काफी सारे स्कूल कॉलेज के छात्र और काफी सारी स्वयंसेवी शैक्षणिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर इसके लिए भाग लिया। अब आप एक बात समझिए, जब 75वां आजादी का अमृत महोत्सव हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि 7500 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा है, उससे भी ज्यादा है, पर वो 7500 किलोमीटर का जो अंक था वो काफी अट्रैक्टिव था। तो जब हम 75वें साल की सेलिब्रेट आजादी का कर रहे हैं तभी हमने सोचा कि क्यों ना हम 7500 किलोमीटर अपना समुद्री सीमा को उसी दिन साफ करते हुए एक विश्व का सबसे बड़ा अभियान चलाए। और उसमें जब हमने मंथन किया तो हमने ये भी सोचा क्यों ना हम विश्व का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला एक अभियान बनाए। तो उसके भाग रूप में हमने 5 जुलाई 2022 को इस अभियान की शुरुआत की। ये अभियान लगभग 75 दिन यानी लगभग 2.5 महीने तक चला। विविध विविध संस्थाओं ने भाग लिया, हर एक व्यक्ति ने भाग लिया, हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस अभियान के रूप में होते रहे थे, और 17 सितंबर को हमने भव्य रूप से सेलिब्रेट किया और एक साथ सफाई की। तो 75 दिनों का ये अभियान था, 75 तटों को जो बीचेस थे वो चुने गए थे उसकी सफाई के लिए। एक जगह ये जानकारी मैंने देखी कि 30 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का कचरा एक जगह से एकत्र किया गया था। प्लास्टिक के कचरे की क्या इतनी भयावहता देखने को मिली है इस अभियान के दौरान, क्योंकि ये बड़ा एक खतरा सा महसूस होता है हमारे बीचेस और पूरी इकोसिस्टम के लिए। जी, आप एक बात आपको समझना जरूरी होगा कि कचरा कचरा बनता कब है, कि जब हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते। आपके घर न्यूज़पेपर आता है, वो एक दिन तक तो न्यूज़पेपर होता है, उसके बाद दूसरे दिन कचरा क्यों बन जाता है? क्योंकि हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते। तो जो बायो वेस्ट होता है उसकी भी एक वैल्यू है, हर एक कचरे की एक वैल्यू है। हमारा जो ये कार्यक्रम था इसके अंदर का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिम्मेदारी से उपयोग करना, दूसरा सेग्रीगेट वेस्ट एट होम, घर पे अपने कचरे को आप अलग करें, ठीक है, कचरे ही मूल्यवान बन जाएगा, आपको कचरे का भी मूल्य मिलेगा क्योंकि आप पेपर को अलग कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरे को अलग कर रहे हैं, दूसरे को अलग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, सो उससे क्या होता है कि जिम्मेदारी से आप उसको अलग करें। तो इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि आप घर से ऐसे कोई कचरे को आप ना बाहर निकाले कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। यानी जैसे हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पे अभी बैन आ गया है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते, पर ऐसे ही प्रकार के काफी जो कचरे हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए खतरनाक साबित होते हैं। वो कचरा जाता है नदी में, नदी मिलती है सागर में, और सागर के अंदर इतना सारा प्रदूषित होता है कि सागर की जो जैविक व्यवस्था है, वहां पे सागर में जो जीव है उनके लिए भी जान का खतरा, पूरी इकोसिस्टम को खतरा होता है। तो मुख्य उद्देश्य ये था कि ये लोग बीच पे जाके अपने जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है उसको साफ करे, वो देखे कि घर से तो वो एक बोतल डालते हैं, वो समुद्र में जाके कितना बड़ा हो जाता है। अच्छा नचिकेत जी, आप चूंकि पूरे अभियान से शुरुआत से 5 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई और 17 सितंबर को इसका समापन हुआ, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था, पूरा देश और पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी उस दिन। उस दिन तक चले इस अभियान में जो ये पूरी गतिविधियां चली, बहुत सारे ऐसे तटों पर, ऐसे आकर्षक भी कहूंगा और प्रेरक ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छा शब्द है, गतिविधियां देखने को या दृश्य देखने को मिले होंगे जिसको मुझे लगता है कि आपके स्मृतियों में वो हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि आप साक्षी रहे हैं, आप भागीदार रहे हैं बल्कि उसके। जी, ऐसे कुछ अनुभव जरूर हमें बताएं। जी, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि गोवा के अंदर सबसे बड़ी लंबी मानव श्रृंखला बनी थी, गणपति विसर्जन के दौरान प्लास्टिक को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, 5000 से ज्यादा NSS स्वयंसेवकों ने 30 टन से अधिक कचरा इकट्ठा किया, कहीं लोगों ने साइकिलिंग की, कहीं लोगों ने अपने उसको स्पिरिचुअली जोड़ा,
कहीं पे जगह पे ऐसा था कि उसको एक माध्यम से पूरे जो तटीय बस्ती लोग रहते हैं उनको शिक्षित किया गया कि भाई ये कचरा कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो अलग अलग प्रकार के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव आइडिया से काफी सारे, मैं अगर आपको संख्या बताने जाऊं तो आपको भी आश्चर्य होगा। आप जब 75 बीच की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताते हुए खूब आनंद होता है कि हमारी जो संख्या हमारे पास है लगभग करीबन 836 बीच से ज्यादा उस दिन बीच साफ हुए 17 सितंबर को, और आज भी लोग हमें फोटो के साथ भेजते रहते हैं कि हमने ये बीच साफ किया, ये बीच साफ किया। आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एनजीओस, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारी एजेंसीज, तो उसके साथ हमारे साथ जो संख्या है वो है 10,570 और उससे ज्यादा काफी सारे एनजीओस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट लिया। तो मेरे ख्याल से ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान बन के उभर के आया है। संख्या देखे जाए वॉलंटियर में तो लाखों लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उसकी तो संख्या ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति हमारे पास आए थे कि भाई आपके बीच पे कितनी संख्या हुई, तो उन्होंने सुबह 7 बजे बहुत उत्साहित होकर संख्या गिनना स्टार्ट किया। 8:15 बजे हमें कॉल किया कि अभी तक तो 1,000 लोग जुड़ गए हैं, और उसके बाद उन्होंने 9 बजे से संख्या गिनना ही छोड़ दिया कि अब मेरे बस में नहीं है कि हम संख्या गिन नहीं सकते, कि जन आंदोलन बन गया था। और उस दिन संयोग से मोदी जी का वर्षगांठ भी थी, वर्ष जयंती भी थी, लोगों को मोदी जी को ये एक तोहफे के रूप में देना था कि उनके वर्ष जयंती के दिन उन्होंने ये सफाई अभियान के पार्टिसिपेट किया, काम किया, और हमारे जो जन नेता है मोदी जी, उनको एक सम्मानित करने के लिए और उनकी जन्म जयंती को सेलिब्रेट करने का एक अच्छा तरीका था। और इसमें मैं आपको और ज्यादा जाके मैं बता रहा हूँ कि मैं निजी कारणों से विदेश लंदन में भी गया था, ये जब ये 75 दिन का अभियान चालू था तभी थोड़े दिनों के लिए, तो वहां की स्वयंसेवी संस्थाएं भी मुझे पूछ रही थी कि हमें इस अभियान में पार्टिसिपेट करना है तो हम क्या कर सकते, क्या बात है, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने इस अभियान को सहारा है और उन्होंने भी इस अभियान के लिए समर्थन अपना दिया है, और उन्होंने भी बोला है कि ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला एक अभियान है। ये एक अद्भुत अनुभव रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नागरिक के नेतृत्व से चलने वाला अभियान रहा, तो हर एक नागरिक का इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अच्छा नचिकेत जी, ये 75 दिनों का अभियान था, ये तो मुझे लगता है कि अगर इसकी हम इसका आकलन करने लग जाएं कि कितना कचरा निकला होगा, इसका डेटा है कि नहीं है, या है भी तो मुझे लगता है कि सुनकर कहीं मन में डर पैदा ना हो, लेकिन डरने से ज्यादा हमें कोशिश करने की जरूरत है। क्या कुछ अंदाजा होगा कितना कचरा निकल पाया होगा जो 75 के, आप तो 800 से ज्यादा तटों पर जो ये सफाई अभियान चला है। जी, अभी तक का हमारे पास जो भी आंकड़ा है वो सुन के आपको आश्चर्य भी होगा, हमने 7,38,754 केजी यानी 738 टन कचरा उसी दिन हमने कलेक्ट किया था। उसी दिन मतलब एक दिन में? एक दिन में। अरे वाह, 17 सितंबर को जब इतने भी तटीय एरिया है सब, जो 836 अच्छा, जहां हुए उस दिन, इसका एक टोटल हमने पूरा एक एक्सेल बनाया जिसके अंदर हमने सब टोटल मिला के किया है। अच्छा, तो 738 टन, ये भी मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये मिशन इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि जन आंदोलन ही हो गया था। बिल्कुल, तो इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन अभी एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं। जी जी, और कोई आपकी पसंद का गीत हो तो आप बताएं, हम जरूर सुनवाएंगे। समुद्र वसने देवी, तो ये तो मेरा ख्याल है वो थीम सॉन्ग है इसका जो लॉन्च किया गया है। जी, 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 और इसमें अनुराधा जी और इस तरह के कई गायकों ने अपनी आवाज दी है। जी, जी, बहुत ही प्रेरक और सुंदर गीत है, बल्कि बहुत अच्छा आपने याद दिलाया क्योंकि मुझे अभी मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं कि ये गीत भी हम प्ले कर सकते हैं, तो आइए यही वाला गीत पहले हम सुनवाते हैं श्रोताओं को। बहुत बढ़िया गीत बनाया है, बहुत शब्द है उसके, अर्थपूर्ण शब्द है, जब आप देखोगे तो आप समुद्र वसने देवी, तो आप अपने आप को समुद्र सागर से कनेक्ट कर पाओगे। ये गीत सुनने जैसा है, एक बार आप सुनिए। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। समुद्र वसने देवी, रहे सदा सुरक्षित
सागर और सरिता ऐसा संकल्प हमारा। अगणित रत्नों की आगर सृष्टि का गहना सागर है, आन बान इस वसुंधरा की मानो जल रूप ये अंबर। वो रहे निरामय सुंदर करो यही कामना अक्सर, हम रखें आबादित उसे सदा, हमें आज मिला ये अवसर। हर मौसम जिस पर निर्भर है जल ही जीवन है, हर सरिता जिसमें समाई है अमृत दागर है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं नचिकेत जोशी जी से। नचिकेत जी जो है वो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की जो कोर कमेटी रही है उसके मेंबर के रूप में आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बहुत सारे जो मंत्रालय इसके साथ जुड़े रहे, संगठन जुड़े रहे, जो भी इसके साथ जुड़े रहे उनके बीच में तालमेल या समन्वय करने वालों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नचिकेत जी, एक तो ये होता है कि आज ये अभियान चला और इसमें हमने सफाई में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, लेकिन उसके साथ साथ जो अवेयरनेस का एक प्रोसेस है, जागरूकता का, जन जागरूकता का, ताकि भविष्य में इसकी आवश्यकता ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या इसके साथ साथ ऐसी कुछ उद्बोधन या कोई गतिविधियां भी साथ साथ चली जहाँ युवाओं को या लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई कि भविष्य में इस तरह की गंदगी ना फैलने पाए?
जी, हर एक समाज का एक हीरो होता है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो शिक्षक हो, हर एक व्यक्ति अपना एक हीरो डिसाइड करता है। बिल्कुल। इस पूरे अभियान के अंदर माननीय मिनिस्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह का बहुत महत्वपूर्ण रोल भी रहा है जी। और उन्होंने ये बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए 9 तटियों के 45 से ज्यादा यानी 45 से ज्यादा उपायुक्तों ने और जिला अधिकारियों ने विशेष प्रयास किया है, और जितेंद्र जी सिंह के मार्गदर्शन में भी काफी सक्सेसफुल, जब हमारा सबसे बड़ा जिसका समापन था 17 सितंबर को बड़े चलने वाले अभियान का, तभी थे। और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह भी कहा है कि भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा भारत के विजन 2047 को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और हमें अपने राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला। बिल्कुल। जब आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर मोटिवेशनल चीजें कैसे हुई, तो यही मैं बताने जा रहा हूं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों, फिल्म कलाकारों, मशहूर लेखक, मशहूर गायिकाओं, चलचित्र में काम करने वाले लोग, स्वयंसेवक, इतने सारे लोगों ने इसके साथ हिस्सा लिया। उन्होंने पूरे समाज को प्रेरित किया है, उन्होंने ये दिखाया है कि जब हम एक सफाई अभियान चलाते हैं, जब हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, तो वो सीधा सीधा पर्यावरण को असर करता है। पर्यावरण जो समृद्ध होगा तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीने के लिए अच्छा साफ स्वास्थ्य हो जाएगा। बिल्कुल। सो पेड़, पानी एंड प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कम से कम करें, जितना भी हो सके तो प्लास्टिक के उपयोग से बचें, पेड़ को आप लगाएं और पानी को शुद्ध रखें। अभियान के दरमियान काफी सारे ऐसे वाक्य हुए, काफी हमने कवि सम्मेलन भी रखे हमने, हाँ हाँ जी, स्कूलों के अंदर मोटिवेशनल जो स्पीकर्स थे वो कॉलेज के अंदर गए, उन्होंने समुद्र के विषय, समुद्र से आर्थिक लाभ, समुद्र से पर्यावरण लाभ और समुद्र की संरचना कैसे हुई उसके बारे में इतिहास को बताया। जब तक आपको इतिहास पता नहीं होता, जब आपको उसके बारे में आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक आप उस विषय में नहीं जाते। तो हमने एक माइक्रो प्लानिंग करके, ना कि हम बड़े बड़े पोस्टर लगा के किसी के बारे में बताए, पर हमने माइक्रो प्लानिंग करके हर एक स्कूल, हर एक जिले में, हर एक कॉलेज के अंदर जो यूथ है उसके अंदर हमारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, तो उसको जो भी उसके अंदर जो भी वो इंक्वायरी या जो भी उसके साथ क्वेश्चंस था उसका हमने उसमें जवाब देने की कोशिश की है। और एक हमारा ऐप के माध्यम से इको मित्रम, हमारे ऐप का नाम भी इको मित्रम है, इसको भी लॉन्च किया गया था जी 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 जी। तो इको मित्रम ऐप पे अगर आप रजिस्टर कराओ तो आपको सर्टिफिकेट मिलता था कि मैं उस दिन जाऊंगा, और जिस दिन व्यक्ति जाके वहां पे अपनी सेल्फी रखते हैं कि भाई हमने ये बीच का सफाई किया, तो हम उसको बकायदा सर्टिफिकेट इको मित्रम से डाउनलोड हो जाता था। अच्छा जी। और उसके इको मित्रम ऐप पे हमने काफी सारे क्वेश्चन भी लिए लोगों की, जो भी क्वेश्चन थे समुद्र के बारे में, सफाई अभियान के बारे में, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सबका मार्गदर्शन हमने, यूथ है तो हमने डिजिटल के साथ जोड़ा, और पूरा ये कार्यक्रम एकदम सफल रहा। और देखिए, मैं तो बल्कि ये भी कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में हम बात कर पाए, महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी हरिद्वार में वो विराजते हैं, लेकिन इस अभियान के साथ जुड़े रहे। तो मेरी ये उत्कंठा भी है नचिकेत जी, कि भारतीय होने के नाते और सनातन परंपरा का हिस्सा होने के नाते, मुझे लगता है क्योंकि हम सुनते रहते हैं, अब हमारे पुरखे या बुजुर्ग ये घर में जैसे बताते थे कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तो धरती पर पैर रखते हुए आप क्षमा मांगे माँ धरती से कि मैं पैर रख रहा हूँ आपके ऊपर, इतनी श्रद्धा की भावना जो है हम इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए रखते हैं। एक उत्कंठा भी मन में ये जाग रही है, जस्ट मुझे लगा कि आपसे पूछ ही लूं जी जी कि आप तो मुख्यतः आप बाहर ही रहते रहे हैं जी, और बिजनेस या और तमाम तरह के प्रोफेशनल जो आपका दायरा है उसमें काम करते रहे हैं, तो ये सेवा के साथ इस रूप में जुड़ाव कैसे और कब हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा इसके बारे में जानने की उत्कंठा भी बस जाग गई है, तो इसलिए पूछ लिया आपसे जी 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 जी। जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है जी, मेरे हीरो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे वाह। मैं विदेश में स्थायी था 2015 तक, मेरा उच्चतर अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, मैं काम करता था लंदन में। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई? जी जी जी। अच्छा जी, किस तरह की जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और फिर किस तरह का काम आपने लंदन में शुरू किया? मैंने मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किया था, जो सरल भाषा में बोले तो आईटी और एमबीए सब कुछ का मिक्स होता है कि जिसमें आप किसी भी संस्था के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा। आईटी टाइप।
और उसके बाद काम करने के लिए लंदन में गए। लंदन के अंदर हमने लोगों को सेवावृत्ति, माँ बाप के संस्कार ऐसे थे बचपन से कि सेवा करना, तो काम भी हमने सेवा के रूप में ही किया था। अच्छा लोगों को मदद करते थे कि कैसे कैसे उनको हेल्पफुल हो सके। और 2014 में जैसे लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे केवड़िया में, केवड़िया में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैचू बना। उससे पहले जब वो मूवमेंट चला था बनने के लिए, तो लंदन में मैंने दुनिया की, इंडिया के बाहर दुनिया की सबसे लंबी रन फॉर यूनिटी की आयोजन की थी, कि जिससे अच्छा यस 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 क्या अवेयरनेस, बात है। और बहुत सक्सेसफुल रहा था वो। मैंने लोग अपने आप जुड़े, बहुत बड़ा हुआ। और तभी गुजरात के विकास की बात तो थी ही, मोदी जी जब सीएम थे तो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे और लोग उत्साहित थे कि उसी टाइम पे 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बन गए, तब जैसे हमने शिक्षा बाहर ली है, तो मैंने तभी सोचा अगर हमारे जैसे शिक्षित लोग भारत में नहीं आएंगे तो हम भारत का ऋण कैसे अदा करेंगे जिस सच धरती पे बात हमने है, जन्म लिया है। बिल्कुल। हमारा फर्ज बनता है कि हम भारत की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दें। सो एक राष्ट्र भावना की वृत्ति थी, एक अंदर से राष्ट्रीयता थी, और मोदी जी के आने से वो चीज़ को चार चांद लग गए और हमें लगा कि यही अब समय ये समय है, आ मोदी गया जी आ गए हैं प्रधान। अब है। देश, ये एक नया भारत है। आप देखिए आज विश्व का सबसे लंबा चलने वाला हमने समुद्र सफाई तट अभियान हमने जब बनाया है, और उसके नागरिकों ने नेतृत्व किया है, ये बिल्कुल मोदी जी होने से ही मुमकिन है, क्योंकि लोग स्वच्छता के साथ जुड़े, तो हाँ। उन्होंने हर एक चीज को जो भारत के विकास के लिए, उसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया है। दरअसल मुझे लगता है कि यही वो समय है जब हम सबको, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, कोई उनका एक सकारात्मक सोच या चिंतन है, तो उनको एक साथ मिलकर इस प्रयास में एक बार अपनी जितनी ताकत हम लगा सकते हैं वो सारी ताकत लगा देनी चाहिए। जी क्योंकि एक जी बार चीजें पटरी पर आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आगे के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, राहें आसान हो जाएंगी। और जब हम 100वां वर्ष अपना पूरा करेंगे स्वतंत्रता का, जी तो ये जो अमृतकाल चल रहा है उसका जो फल होगा, हाँ अब वो हम सब देख पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और मुझे वही फल से याद आया कि समुद्र मंथन से जो चीजें निकली थी, जो रत्न निकले थे, जिस पर हम गर्व करते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा करते हैं, वही इस तरह के प्रयासों से भी वो चीजें निकलती हैं। तो ये आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि आपने समय भी दिया और प्रेरणा भी दी, और भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें दी हैं नचिकेत जी आपने, कि आप जैसे युवा जब इस राष्ट्र निर्माण में इतनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तत्पर हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं, तो बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी धन्यवाद आपका मेरे साथ संवाद करने के लिए। श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम जिस अभियान को लेकर बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विलक्षण है, और जैसा कि आपने सुना ये दुनिया का अपने आप में एक अकेला ऐसा अभियान है जिसमें इतने दिनों तक और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। अभियान के बारे में आप जानते ही हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, जिसकी शुरुआत 5 जुलाई को हुई थी और 17 सितंबर को उसका समापन हुआ। लेकिन अभियान का समापन जरूर हुआ है, लेकिन हमारी जो क्रियाशीलता है इसको लेकर, यानी अपने समुद्र के तटों की स्वच्छता को लेकर, पूरे पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर, वो निरंतर जारी रहनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। खैर ये जो तमाम अभियान तो है वो अपनी जगह है, लेकिन समुद्र हमारे अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है, या उसका वैज्ञानिक महत्व किस रूप में हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं, ताकि हम इसको तार्किक रूप से भी समझ सकें समुद्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमने संपर्क किया है डॉक्टर अनिल मेहता जी से, जो कि उदयपुर में हैं और पर्यावरणविद हैं आप, और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो है एक उसके जल उपक्रम के सह प्रमुख के रूप में अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। वर्तमान में आप विद्या भवन पॉलिटेक्निक उदयपुर में प्रिंसिपल भी हैं, और इस क्षेत्र में कार्य के लिए अनिल मेहता जी को यशवंत राव केलकर नेशनल अवार्ड भी मिला है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो 20 वर्षों से भी ज्यादा का लंबा अनुभव और इस अभियान के साथ उनका जुड़ाव, मुझे लगता है कि कुछ नई दृष्टि हम सबको मिल पाएगी इनसे बातचीत के जरिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। अब हमें ये बताएं कि वैज्ञानिक दृष्टि से समुद्र का हमारे लिए क्या महत्व है, समुद्र का मतलब कि स्वच्छ समुद्र का होना भी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए समुद्र का होना, सागर का होना, मैं कहूंगा कि ये सागर हमारे अस्तित्व का आधार है। जी हम कई बार एक गाना गाते हैं कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, हाँ। सागर मिले कौन से जल में। तो ये जो सागर का जल है वो कहीं नहीं, वो हमारे वापस हमें घर में मिलता है। तो अगर समुद्र नहीं होंगे तो हमें बरसात कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो बरसात की हर एक बूंद जो हमें मिलती है वो हमें सागर देता है। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है
साधारण शब्दों में कहें कि अगर हम 10 सांस लेते हैं तो उसे 7 सांसें हमें समुद्र देता है। विश्व में जितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है उसका 50-70% उसकी उपलब्धता उसका उत्पादक समुद्र है। उसी के विपरीत जो हम इतनी कार्बन पैदा करते हैं उस कार्बन का भी 30-40% अगर कोई सोखता है तो वो समुद्र सोखता है। अच्छा। समुद्र हमारी जलवायु को हमारे मौसम का नियमन करते हैं। ये भी हमें पता है कि अगर भारत की दृष्टि से देखें तो हमारे लगभग 1/3 जितने हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उसके 1/3 हमारे कोस्टल एरिया है, और विश्व की दृष्टि से भी देखें तो 1/3 आबादी इस पूरे विश्व की समुद्र की सीमा से 100 किलोमीटर के भीतर रहती है। जी। तो समुद्र का अच्छा होना, समुद्र का स्वच्छ होना, मैं फिर से कहूंगा कि हमारे जीवन का आधार है। अच्छा डॉक्टर साहब, समुद्र जिस रूप में प्रदूषित हो रहा है या जिसको लेकर ये चिंताएं थी जिसकी वजह से अभियान भी शुरू हुआ और बहुत बड़े स्तर पर सफल अभियान के रूप में इसको जाना जाएगा, ये जो प्रदूषण है वो किस तरह से घातक हो जाता है हमारे अपने अस्तित्व के लिए? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समुद्र हमारे इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे मैंने अभी आपसे कहा। जी। लेकिन अगर आप समुद्र को खराब करेंगे, अभी वर्तमान स्थिति हमें पता है कि विश्व स्तर पर देखें कि 80 लाख टन के आसपास प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में जा रहा है। मतलब अगर हम ये कहें कि 1 स्क्वायर माइल में कितने प्लास्टिक के कण हैं तो लगभग 46,000 प्लास्टिक के कण हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2050 तक ये स्थिति हो जाएगी अगर हमने प्रदूषण को रोका नहीं तो मछलियों से ज्यादा उसके अंदर प्लास्टिक के कण होंगे। हमें ये भी पता है कि जो जितना वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसका 80% समुद्र में जा रहा है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है इसको अगर मिटिगेट आज की तारीख में कोई कर रहा है तो हमारा समुद्र कर रहा है, लेकिन उसकी एक सीमा है। आज हम जितनी गर्मी पैदा कर रहे हैं अपनी मानव जनित गतिविधियों से का 90% समुद्र सोख रहा है। और मैंने जैसे कहा हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं खासकर से पोस्ट इंडस्ट्रियल पिक्सलाइजेशन पीरियड में वो सब भी एक समुद्र सोख रहा है। लेकिन समुद्र की भी अपनी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है। अगर हमने जब ज्यादा समुद्र के अंदर गंदगी डाली, समुद्र के सिस्टम को बिगाड़ा, उनकी कोरल रीफ्स को खत्म किया, उसके अंदर प्लास्टिक का कचरा किया, तो समुद्र जो आज हमारे लिए एक तरह का कार्बन सिंक और हमारा ऑक्सीजन का उत्पादक है वो समुद्र इसका रिवर्स होना शुरू कर देगा, वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में भेजना शुरू कर देगा। अच्छा। इसलिए जितना प्रदूषण हमारे समुद्र के अंदर हो रहा है किसी भी तरीके कारण से हो रहा है उसे हमें रोकना होगा अगर हम अपने जीवन को बचाना है। मैंने आपसे कहा कि समुद्र खारा इसलिए न्यारा है, अगर समुद्र का खारापन भी प्रभावित हुआ तो ये जो हमारा जो जलवायु का नियमन होता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा से लेके ध्रुवों तक एक तरफ हमारा समुद्र गर्म होता है, एक तरफ समुद्र ठंडा होता है, और इस तरह से समुद्र का पानी पूरा घूमता रहता है, उसी कारण से मौसम का जलवायु का नियमन रहता है। अच्छा। खारा होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि खारा होने से ठंडा होने से नीचे बैठता है और इस तरह से फिर पानी का मूवमेंट होता रहता है। लेकिन जिस तरह की प्लास्टिक के लिए मैंने आपसे कहा इतना ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट है उसके कारण से जिस तरह के केमिकल्स, जिस तरह के पोल्यूटेंट्स समुद्र के अंदर प्रवाहित होते हैं, बीचेज के बारे में तो हम जानते हैं कि सब तरह की जो गंदगी हम अपने समुद्र के अंदर डाल देते हैं, तो चाहे वो गंदगी घुलनशील हो चाहे गंदगी उसके अंदर तैरती हो, दोनों ही तरह की गंदगी जलीय जीवों के लिए, समुद्री जीवों के लिए और समुद्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी बहुत निर्भर हैं समुद्र के ऊपर, और मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो देश गरीब माने जाते हैं या किसी भी देश में ऐसी गरीब जो पॉपुलेशन जनसंख्या होती है उनमें महासागर या जो समुद्र है वो पोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है उनके लिए, उनकी आजीविका का एक स्रोत है, जैसे मत्स्य पालन है या जलीय कृषि के भी कार्य किए जाते हैं बहुत जगह, और विश्व की जो बहुत बड़ी आबादी है वो प्रोटीन के लिए मछलियों पर निर्भर करती है और मछलियां जो है वो समुद्र मुख्य स्रोत है उसका। ऐसे में ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो प्रदूषित होने की कहीं ना कहीं इस पूरे तंत्र को डिस्टर्ब करती हैं, इंसान की आजीविका, उसका जीवन, उसका स्वास्थ्य, सभी चीजों को प्रभावित करेंगे। जी, तो हम कहते हैं ना ओशियन फीड्स, समुद्र हमें खाने के लिए सब कुछ देते हैं। कुछ समय पहले कहा कि एक बड़ी आबादी समुद्र के ऊपर निर्भर है। जी। अगर समुद्र के अंदर प्रदूषण जाता है तो जो जैसा आपने कहा मछली, उस मछली प्रजाति पे भी संकट आएगा। हमें पता है कि अगर प्लास्टिक ज्यादा पानी के अंदर तो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में परिवर्तित होता है और फिर मछली उसे खा जाती है, फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो जो भोजन भी मिलेगा वो हमें विषैला मिलेगा। इसीलिए एक तरफ तो प्रजातियां कम होगी, दूसरी तरफ जिस तरह का भोजन हमें समुद्र से मिलेगा उस भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, वो विषैला होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप जानते हैं कोस्टल एरिया के अंदर तो आजीविका का प्रमुख साधन किसी न किसी रूप में हमारा कोस्टल एरिया है। जी। प्रदूषित होना मतलब आजीविका पर सीधा प्रभाव, प्रदूषित होना मतलब स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव। जैसा आपने कहा प्रोटीन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति तो समुद्र करते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन के स्रोत जो हैं जो जलीय जीव जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं ये जो वनस्पतिक तौर पे भी काम आते हैं अगर वो प्रदूषित होते गए तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पूरे खाद्य चक्र पर एक विपरीत असर पड़ने वाला है। सचमुच ये बहुत चिंतित करने वाली बात है और मुझे लगता है कि इस तरह के अभियान की आवश्यकता इसलिए भी बहुत है कि
लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। डॉक्टर साहब, इतने कम समय में जो बातें आपने कही हैं हमारे लिए, मुझे लगता है कि एक आई ओपनर की तरह है कि हमारी आंखें खुलेंगी, हम सोचेंगे इस बारे में। और जो अभियान के जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं, ये बिंदु हमेशा हमारे सामने रहेंगे, हमें प्रेरित करेंगे कि हम जो भी हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें, जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन है, और कचरे को हम घर पर ही अलग अलग करें और उसको उसी रूप में उसका निस्तारण करें। ये जिम्मेदारी हम सबको एक नागरिक के रूप में निभानी है और निभाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तो उससे जुड़ा हुआ है। तो इस बातचीत के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। जी, धन्यवाद आपको। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनिल मेहता से, जो कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था है, उसके जल उपक्रम के सह प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं, जो जल स्रोतों का संरक्षण है उसको लेकर उनकी बहुत सक्रियता रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के बारे में, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन आप तो जानते हैं कि भारत की जो सनातन परंपरा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है प्रकृति की पूजा का, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, उसके प्रति आस्था का भाव रखने का। अब इसको हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने धर्म के साथ भी जोड़ा, उद्देश्य यही था और आज भी है कि हम इनको किसी भी रूप में हानि ना पहुंचाएं, उन्हें संरक्षित रखें। और इसीलिए हमारे तमाम आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नदियां हो, जल के तमाम अलग अलग स्रोत हो, पूरी प्रकृति, उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा और आस्था का भाव अभिव्यक्त किया गया है, हमें प्रेरित किया गया है कि हम उसके प्रति ये भाव भी रखें। ये जो अभियान रहा है इसके साथ हमें बहुत खुशी है, और ये जानने की हमें उत्कंठा भी दरअसल हुई कि हम ये जाने कि जो समुद्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके हमारे धार्मिक परंपराओं में या अध्यात्म में किस तरह का उसका महात्म्य माना जाता रहा है और आज भी उस रूप में देखते हैं उसे। और इस उत्कंठा ने हमें प्रेरित किया कि हम संपर्क करें हरिद्वार में परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी से, जो प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर भी हैं, और इस पूरे अभियान के साथ आप लगातार जुड़े रहे, बल्कि इस अभियान ही नहीं बल्कि इसके पहले भी तमाम पर्यावरण से जुड़े आंदोलनों और अभियानों में आपने उसका नेतृत्व भी किया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी। प्रणाम प्रणाम। और जो उत्कंठा है वो मैंने जाहिर की है, कुछ चीजें तो हमने सुनी है, समुद्र मंथन के बारे में हम बहुत अच्छी तरह सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज हमें उस नजरिए से आप बताएं कि समुद्र हमारी जो सनातन परंपरा है या हमारी भारतीय परंपरा है, उसमें किस रूप में हमारी आस्था का भी केंद्र रहा है या उसका महात्म्य किस रूप में रहा है? ज्ञानेंद्र जी, भारतीय जो संस्कृति है और सभ्यता है और भारतीय साहित्य में भी जहाँ नदी वन पर्वत का महत्व है, वहीं समुद्र का भी महत्व कम नहीं है जी। इस कारण से अमरकोश नामक जो कोश ग्रंथ है, समुद्र के सैकड़ों पर्यायवाची पद परिगणित हुए हैं। वेदों में समुद्रे समुद्र समुद्रम समुद्रश जी, ऐसे अनेकों पर्यायवाची, ये जो हमारा आदि ग्रंथ है, वेद में ऐसे अनेकों उल्लेख आते हैं और सैकड़ों मंत्र भी। आज हम सब देखेंगे समुद्र की जो महत्ता पृथ्वी के समान ही है, और पृथ्वी यदि माता है तो आकाश यदि पिता है तो समुद्र पृथ्वी माता का गर्भ है। जैसे माता अपनी संतान को गर्भ के अंदर सुरक्षित रखती है, इसी प्रकार समुद्र भी हमें सुरक्षित रखता है जी। हम सबको जानकारी है कि समुद्र में जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐसे 14 रत्न हमें प्राप्त हुए, और विशेषकर उसमें उच्चेश्वरा घोड़ा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, पारिजात, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंबा जिसको बोलते थे, कल्प वृक्ष, वारुणी देवी, पांच जन्म संघ, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत, ये 14 रत्न निकले। ऐसे ही विष्णु पुराण में भी जनेन्द्र जी, जी। उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रयश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति जी। हमारा जो भारत देश है इसके बारे में भी विष्णु पुराण में लिखा है, समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है उसका नाम भारत है, कि संतति को भारती कहते हैं। अपनी इस लोकप्रियता के कारण भारत प्राचीन काल से भारत की भौगोलिक एकता के साक्षात्कार के प्रमाण के रूप में बहुधा इस श्लोक का प्रयोग प्रस्तुत किया जाता है। इससे भी समुद्र की महत्ता हमें समझ में आती है। ऐसे ही कौटिल्य अर्थशास्त्र के नवम अधिग्रहण के 135-36 प्रकरण में भी चक्रवर्ती क्षेत्र की व्याख्या इस श्लोक से होती है। देशः पृथ्वी तस्याम हिमवत् समुद्रात्रम मुदिचीनम योजना सहस्त्र परिमाणम त्रयक चक्रवर्ती क्षेत्रम। अर्थात इसका अर्थ यह है, हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यंत पूर्व से पश्चिम दिशा में 1000 योजन तक
फैला हुआ भूभाग चक्रवर्ती क्षेत्र है। ये समुद्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा रहा है, क्योंकि अगर मैं इसके विस्तार में जाऊं जी तो हम देखते हैं कि हमारे भारत की तीनों ओर समुद्र है। और भगवान राम जब माता सीता की खोज के लिए गए थे, हम सबको जानकारी है जी, और वहां पर उन्होंने समुद्र से विनय किया, 3 दिन तक उन्होंने पूजा अर्चना की मार्ग मांगने के लिए। और उसी क्रम में जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान राम का जो ये दोहा है, विनय न मानत जल दिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। वो दोहा जो है उन्होंने तभी बोला जब भगवान राम ने 3 दिन तक विनय किया और उनके विनय को स्वीकार नहीं किया तो राम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि भय बिन प्रीत नहीं होती, और उन्होंने अपने धनुष बाण निकाल लिया तो समुद्र देव प्रकट हो गए। और उन्होंने ये हम सब उसके बारे में जानते हैं। आज उस समुद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि हम सब लोग जब समुद्रों के किनारे जाते हैं और वहां पर अपने दैनंदिन उपयोग की ऐसी पॉलिथीन प्लास्टिक की बोतलें वहां पर छोड़ आते हैं तो इससे पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है, लेकिन जिसको हम देव तुल्य पूजा करते हैं समुद्र की जी, और उस समुद्र के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाता है। हम सब जानते हैं कि इस भारत का 75% भूभाग जल है, और ये भी हम सब जानते हैं कि भगवान वारा का जब अवतार हुआ उन्होंने ही कुछ जल को समाप्त किया और उस भूभाग पर हम लोग निवास करते हैं जो 25% के लगभग है, नहीं तो सब जलमग्न था। अच्छा, और भगवान वारा के कारण ही आज हम सब लोग इस जो प्राकृतिक संसाधन है आज उनके सब चीजों का भूभाग का हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि समुद्र हमारे जीवन से भी जुड़ा रहा है और आध्यात्मिक संस्कृति का भी एक हिस्सा रहा है। ब्रह्मा जी के द्वारा भी कई सारे वर्णन ऐसे महासागर के बताए जाते हैं, और इक्षुरस समुद्र यानी गन्ने की रस का समुद्र, ऐसे 7 ब्रह्म वैवर्त पुराण एक हमारा ग्रंथ है उसमें ब्रह्मा जी ने 7 समुद्र की रचना की। अच्छा, लवण सागर यानी खारा समुद्र, हाँ। इक्षुरस समुद्र यानी गन्ने की रस का समुद्र, सुरा समुद्र जिसका अर्थ शराब का समुद्र, घृत समुद्र जिसका अर्थ घी का समुद्र, दही का समुद्र, क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र, सुस्वादु जल के समुद्र यानी मीठे जल का समुद्र। अच्छा, ऐसे ब्रह्म वैवर्त में 7 महाद्वीप और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उसमें वर्णन आता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई परिवार में संस्कार आदि कराते हैं तो उस पर संकल्प होता है जम्बू द्वीप, हाँ। व्रत खंडे, तो जम्बू द्वीप भी धरती के सेंटर पॉइंट में स्थित है। अच्छा, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। अच्छा, और जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ अधिकतर पाए जाते थे इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। अच्छा, धार्मिक पुराणों और ग्रंथों में भी जम्बू द्वीप के बारे में काफी बताया गया है। मैं आपके माध्यम से यही इस देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस समुद्र ने हमें 14 रत्न दिए जो आज हमारे जीवन में उनकी प्रासंगिकता है। मैं जनन जी एक बात और इस बीच में बताना चाहता हूँ। जी जरूर। एक राम सेतु जो भगवान राम ने श्रीलंका में माता सीता के लाने के लिए बनाया था जी, उसमें हमारे देश में प्रयोग की जाने वाली थोरियम धातु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो थोरियम धातु का प्रचुर भंडार था उसके किनारे पर। अच्छा, समुद्र में। और उस समुद्र में अनेकों ऐसी आज भी अनेकों ऐसी वस्तुएं जो बहुत दुर्लभ है, सीप है, शंख है, ऐसी अनेकों वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। तो जो स्वच्छ समुद्र के पीछे जो भाव है हम सब का वो ये है कि जो हमारी ऐसी विलुप्त प्रजातियां हैं, जो ऐसी अनेकों जलचर प्रजातियां हैं वो आज विलुप्त हो रही, जो बची है वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और समुद्र भी सुरक्षित रहे जिससे आने वाले समय में भारत क्या पूरा विश्व एक जल संकट से जूझ रहा है, भारत के भी बहुतायत बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा भूभाग आज पेयजल के संकट से जूझ रहा है, तो आने वाले समय में कोई टेक्नोलॉजी का विस्तार हो कि जो हमारा समुद्र का जल है उसको पीने योग्य किया जा सके। अगर समुद्र ही नहीं रहेगा तो भारत के लिए क्या पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जी, तो इसलिए समुद्र की सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, अगर समुद्र का अस्तित्व
और समुद्र के जो जलचर है वो नहीं रहेंगे तो वास्तव में एक बहुत बड़ा संकट इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके इस ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब लोग आए और संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे हमने चलाया और उस पर हम सब लोगों ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर काम करना शुरू, ठीक ऐसे ही स्वच्छ समुद्र अभियान में भी हम सब लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली जो संतति है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। तो ये जो आपने संकल्प भी दिया और ये प्रेरणा भी दी है हमसे जुड़कर, हरिद्वार से आप सीधे बात कर रहे हैं हमसे टेलीफोन लाइन के जरिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी, समय देने के लिए और ये प्रेरणा देने के लिए। धन्यवाद जनंद जी। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी से, जो कि हरिद्वार से टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे जुड़े और उन्होंने समुद्र के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है। उद्देश्य हमारा यही है कि वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा बने, क्योंकि किसी भी दृष्टि से हमें समुद्र के महत्व को या प्रकृति के महत्व को समझते हुए उसके संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना, समर्पित करने का एक बुनियादी मतलब तो यही है कि हम किसी भी तरह की गंदगी का कारण स्वयं ना बने, और अगर कहीं कोई गंदगी इस तरह की दिखती है तो उसको साफ करने में अपनी भूमिका निभाएं, सकारात्मक भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, इस बातचीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। जैनेन्द्र को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर